बलौदा बाजार के श्रीराम हॉस्पिटल में द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन हुआ। जिले में यह पहला एकमात्र अस्पताल है जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधा मौजूद है। बता दें कि शिविर में जिले भर के 300 से अधिक मरीजों ने अपना इलाज कराकर शिविर का भरपूर लाभ उठाया। साथ ही NCV और BMD की निःशुल्क जाँच की गयी जिसमें लगभग 150 मरीज लाभान्वित हुए। इसके अलावा नेत्र जाँच, सुगर BP और ECG की निःशुल्क जाँच की गयी। साथ ही मरीजों को रक्त जांच, TMT, CT स्कैन, एक्सरे में 50% की छूट दी गई। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि अस्पताल के 2 पूर्ण होने पर 3 दिनों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि आसपास के क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हमारे हॉस्पिटल श्रीराम हॉस्पिटल का दूसरा स्थापना दिवस है जिसमें हम लोगों ने निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम 3 दिन के लिए OPD निःशुल्क दे रहे हैं और सारे टेस्ट, चाहे ब्लड टेस्ट हो, ECG हो, इको हो, TMT हो, CT स्कैन हो, एक्सरे हो, सब पे हमने 50% की छूट दी है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए हमें सिर्फ रायपुर जाके करवा सकते हैं, जैसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जिसमें नसों की जांच होती है, और BMD तो बोन मिनरल डेंसिटी जिसमें हड्डियों की जांच होती है। ये टेस्ट हमने यहाँ से मुफ्त कराया है जिसमें लगभग 150 पेशेंट लाभान्वित हुए हैं। हमारे 3 दिवसीय कैंप में प्रतिदिन लगभग 120 से 150 पेशेंट का आगमन हुआ है और उन्होंने इस कैंप का फायदा उठाया है। मैं डॉक्टर पायल गोयल, MS ऑफ्थेल्मोलॉजी हूँ, श्रीराम हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे 3 दिवसीय कैंप था निःशुल्क, जिसमें हमने लगभग 100 मरीज देखे आँख विभाग में। उसमें ज़्यादातर लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत थी, कुछ एलर्जी के पेशेंट थे और कुछ को चश्मों की ज़रूरत थी। जिन्हें भी मोतियाबिंद की शिकायत थी उनका हमने निःशुल्क उपचार किया है, और जिससे दवाई की ज़रूरत थी उसे दवाई दी गई, जिससे सर्जरी की ज़रूरत थी उसकी सर्जरी हुआ। अभी हमने सेकेंड एनिवर्सरी के रूप में जो हॉस्पिटल का सेकेंड एनिवर्सरी है उसके लिए 17, 18, 19 को जनरल कैंप रखा है, जिससे आसपास के लोगों को जो बेचारे जो पैसे की कमी के चलते या कुछ सक्षम नहीं थे वो आ सके, अपना इलाज अच्छे से करा सके, उसके लिए किया। अभी 3 दिनों में पीडियाट्रिक OPD कम से कम 200 से 300 की हुई है। लोग सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोगों का विश्वास हमारे हॉस्पिटल पे बढ़े, यहाँ आए और अच्छी ट्रीटमेंट ले। हमारे श्रीराम हॉस्पिटल का 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारे मरीजों ने आकर अपनी बीमारियों और चीजों का इलाज करवाया है, जिसके लिए मैं पूरे जिले के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। शिविर के माध्यम से हमने लोगों को वो सुविधाएं जो रायपुर में मिलती है वो यहाँ पर मुहैया कराई और उनको इलाज कराया। लगभग 250 से 300 मरीज इस शिविर में आए थे जिनका हमने उपचार किया है या उनकी बीमारियों को जानने में उन्हें मदद की। तो इसको ले जाने के लिए मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ, तो मेरे करीबी रिलेटिव है हमारे मनोहर मुख्य क्षेत्रीय समाज के युवा अध्यक्ष, केंद्रीय युवा अध्यक्ष कपिल कश्यप जी हैं, उनसे मैं सलाह लिया कि वो बोले कि यहाँ पर लेके आ जाइए श्रीराम हॉस्पिटल में करके। फिर मैं यहाँ लेके आया और साकेत सर से मेरे संपर्क कराया, फिर उन्होंने उनसे बातचीत किया, फिर उनका ट्रीटमेंट इलाज के आयुष्मान के तहत स्टार्ट कराए जिससे जिनका फ्री में इलाज अभी तक हुआ है और अभी तक मेरा बच्चा सही सलामत में है। भले ही थोड़ा हल्का लेट हो गया उनको थोड़ा रिकवरी में, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, रिकवरी आ गया है। मेरा नाम कमल सुनी है, मेरा पेट दर्द हुआ तो मैं श्रीराम हॉस्पिटल में आया तो पथरी का इलाज करवाया, अभी ठीक हूँ। इलाज के लिए कोई शुल्क लिया गया? इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिए गया। कैसा इलाज? कैसा लगा इलाज आपको? दूरबीन से हुआ इलाज। डॉक्टर लोग अच्छे से इलाज किए? हाँ, अच्छे इलाज, अच्छा लगा, सुविधा बढ़िया, चका चका बढ़िया लगा, सब बढ़िया, कोई व्यवहार बढ़िया, सब कष्ट। हमारे